नमस्कार, एसी इलेक्ट्रिकल टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि पंखा नहीं चल रहा है, क्या करें। तो पंखा आप देख रहे हैं कि ये पंखा सामने लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। और यहाँ स्विच ऑन करते हैं, ये देखिए स्विच ऑन करते हैं, ये रेगुलेटर भी फुल पे है और पंखा बिल्कुल नहीं चल रहा। और इसको हम धक्का दे के देखते हैं क्या स्थिति है। सबसे पहले नहीं चलता है तो बोर्ड खोला जाता है। बोर्ड न खोलने के बजाय हम पंखे के पास जाते हैं और पंखे को देखते हैं क्या स्थिति है। और पंखा हल्का सा गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है, इसको हाथ से चलाते हैं और ये फ्री है और ये चल गया, लेकिन हाथ से चलाने के बाद चल रहा है। और फिर देखते हैं, ये देखिए उल्टा घुमा देते हैं, उल्टा चलने लगता है इस पंखे को, जिधर को घुमाते हैं उधर चलने लगता है। यही आज हम जानते हैं कि आखिर इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्विच को बंद कर देते हैं, स्विच को बंद कर देते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए मैंने स्विच को बंद कर दिया और अब देखते हैं। अगर पहले तो चेक किया जाता है कि करंट आ रहा पंखे में तो नहीं आ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इधर से दिखाई देगा, अगर इस पे आ जाओ कुर्सी लेकर, दिख रहा है ये पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये देखिए ये दिख रहे हैं। ये सबसे पहले हम चेक करते हैं कंडेंसर पे, यानी कि लाइन आ रही कि नहीं आ रही। स्विच बंद किया, लाइन आ रही है। अगर स्विच उल्टा होगी तो आपका ये टेस्टर जलेगा, करंट आ रहा होगा। उस स्थिति में आप इसको न छुएं और घर की मेन लाइन को बंद कर दें, उसके बाद जो है आप खोलें। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पंखे न चलने के कई कारण होते हैं, लेकिन तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करंट अगर आ रहा होता है तो हम मेन लाइन को बंद करते हैं, तब ये तार खोलते हैं। ये मैंने कंडेंसर का तार खोल लिया, एक लाल और सफ़ेद है, और दूसरे कंडेंसर को खोल लेंगे कुछ नीचे से, इस तरीके से खोल लिया और इन दोनों तार को अलग कर लेंगे। ये याद रखेंगे कि बीच में कौन सा तार लगा है, उस तार को बीच में लगा देंगे। कंडेंसर बदल के ही देख लेते हैं पहले पंखे को। ये आप कंडेंसर देख रहे हैं, ढाई 2.25 MMD का है और ये आयल वाला है, और इसमें हम कंडेंसर नया लगाते हैं, 2.5 का लगा करके देख लेते हैं। ये कंडेंसर हम लगा रहे हैं, 2.5 का लगा रहे हैं, 2.5 MMD का ये कंडेंसर नया है और ये आयल वाला है। इसको लगा के देखते हैं कि पंखा चलता नहीं चलता है। कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं, अगर कोई संदेह हुआ करे तो पहले आप फ़ोटो खींच लिया करें। नए आदमी हैं, पुराने इलेक्ट्रिशियन हों वो तो जान ही जाएंगे, नए आदमी के फ़ोटो खींच ले। देखिए लाल एक कंडेंसर का तार, एक लाल में बांध रहे हैं, लाल में बंधा हुआ था और ये बंधा था बीच में, और इसको हम बीच में बांध देंगे कुछ इस तरीके से। 3 पिनें होती हैं, एक बीच में चला जाता है कंडेंसर का तार। और एक तार ये नीला है और ये कंडेंसर का हरा तार, हरा कंडेंसर का है और नीला लाइन का है। और इसको क्या करते हैं, नीचे से खोला था तो नीचे ही बांध देंगे। अब पंखे को चला के देखते हैं कि चलता नहीं चलता। नहीं चलता है तो दूसरा भी कारण होता है, ये पहला कारण देख लेते हैं। दूसरा कारण जो है, आपके स्टार्टिंग कॉइल का तार टूट जाता है, वो पंखा खोलना पड़ता है। ये देखिए मैंने स्विच ऑन किया और ये पंखा अपने आप चलने लगा और तेज़ी से चलने लगा। धक्का लगा के हम धीमे से चल रहा था, स्पीड भी नहीं थी। और आप ये देख रहे हैं, अब ये सीधा चल रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपके घर में कोई समस्या हो तो आप दूर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।